हेलो गाइस, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज जो है इसमें हम कुछ जीके पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के हमारे पास 100 क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी, पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी जाके डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक अपने, जो कहीं भी पूछी जा सकती हैं। पहला आता है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोधगया है, बोधगया जगह का नाम है। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उनके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोधगया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर है स्वामी दयानंद ने। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वह है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य से निकलता है? तो आंसर है उसका अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? होता है मधुमेह में। मधुमेह होता है आपका डायबिटीज, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम का। बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। जैसे आपके इंडिया में होली दिवाली होती है, उसी तरह से आसाम में बिहू प्रसिद्ध है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हर खट्टी चीज में जो है विटामिन सी प्राप्त होता है, पर सबसे ज्यादा आंवले में विटामिन सी प्राप्त होता है, तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जैसे कि सब चीज़ों में चीन ने आविष्कार किया, यहाँ भी चीन ही है। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उनके लड़के का नाम राहुल था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिससे कि आंखों, ये एक आंखों की बीमारी होती है, इससे आंखों की रोशनी वगैरह कमज़ोर हो जाती है। और इसमें और भी चीज़ें हैं डीपली, बहुत सारी है, ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वह तमिलनाडु। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी ने टेलीविज़न का आविष्कार किया, टीवी का। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, जो कि आपका पहली महिला सुल्तान थी। उसके बाद बाकी काफ़ी सारी आई हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जैसे हम नाक की सहायता से सांस लेती है, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? शहीद भगत सिंह, ठीक है। तो शहीद भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये 1919 में हुआ था, यानी 1919 ईसा में, और ये अमृतसर में हुआ था। 1939 ईसा में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आंसर है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। संडास की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था, और जहाँ तक इसमें गोली वगैरह भी मंगल पांडे ने चलाई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ये पहले दो बार चढ़ने वाली महिला थी, संतोष यादव। ब्रह्म समाज के स्थापना के द्वारा किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल मतलब बेसिक नाम क्या था? तो मूल शंकर का बेसिक नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा वो है जिसने भारत की खोज की थी, सबसे पहले जिसको भारत मिला था। वास्को डी गामा जो है भारत आया था आपका 1498 ईसा में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह था आपका पुर्तगाल का रहने वाला। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो है गुरु नानक, जिसे कि तो पता भी होगा वैसे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वो है बैसाखी। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, पूरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? वो है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने, नाम एक और है कौटिल्य, ठीक है, एक नाम और भी है इनका विष्णुगुप्त, तो तीन नाम है। वैसे आप चाणक्य या कौटिल्य भी याद रख सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने।
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है आपका 8 मार्च को, ठीक है, 8 मई और 8 मार्च, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वह केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही बेसिक चीज़ें हैं, पर यह भी हमें पता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का जो जलीय जीव है वो कौन सा है? वह है गंगा की डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन भी हम कह सकते हैं बस। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। फूल कौन सा है? कमल। और पेड़ कौन सा है? बरगद, ठीक है, इसमें आपको एक खेल या फिर पेड़ का शायद ना पता हो। राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी भारत का। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में कितना होता है? तो यह 3:2, ठीक है, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वो है आपका वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सख सवत कैलेंडर है एक, ठीक है, जो कि कंस के टाइम से चलता हुआ आ रहा है ऐसा कहा जाता है, जिससे हमारा कैलेंडर मैच किया गया था। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के हमारे किस अंग से है? वो है हमारे दिल से, यानी कि हार्ट से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि ग्रंथि भी कह सकते हैं इसको, तो है पीयूष ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथि एक ही बात है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वो है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रंटनजन। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। ये अपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा भी होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कि जो अंतरिक्ष का यात्री है उसको बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आंसर है काला, जैसे हमें नीला दिखाई देता है अंदर से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। भारत में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट, जैसे कि काफ़ी लोग हैं घूमे भी होंगे। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? आपका है मुंबई में चली थी सबसे पहली रेल, जो चली थी वर्तमान में जो मुंबई नाम है उसका, और वो मुंबई से चल के थाने तक चली थी, वहाँ के थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ये है 1853, यानी कि 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ये इनका पूरा नाम है, 1984 में जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं अब। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी यूएनओ, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचांक है? अगर उसमें बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होती है, जैसे कि आपका टेम्परेचर नापने के लिए होता है, ऐसे एक बैरोमीटर होता है जिससे तूफान का संकेत का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, तूफान का। इस समय संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी कि यूएनओ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो कुल मिलाकर 15 हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है, हॉलैंड में है जो कि। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो उनका नाम है बान की मून, ये यूएन के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में
हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो है 2 वर्ष के लिए, इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था, कौन सा देश सदस्य बना था? तो वह है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता? विटामिन की, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता है, जिससे खून बहता रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा इनका नाम है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो अवधि है इसकी 4 वर्षों के बाद। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो उत्तर है आपका चीन की। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुराहा। ठीक है, मुराहा नस्ल की भैंस जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, शायद ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, यह हरियाणा की पार्टी थी। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 42,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। दोस्ती के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने जीके की आप यहाँ से काफ़ी सारी वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं तो कहूँगा कि आप चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने रजिस्टर में भी आप उतार सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।